साधन कीमत सिद्धांत की आधारभूत धारणाएं फॉर क्लास बीए वन। साधन कीमत सिद्धांत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इसकी कुछ आधारभूत धारणाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्य रूप से दो धारणाएं हैं, साधन की उत्पादकता व साधन की लागत। जहाँ तक साधन की उत्पादकता का संबंध है, साधन कीमत सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण धारणा है। इस धारणा को जानने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना अधिक आवश्यक है, एक सीमांत उत्पादकता और दूसरी औसत उत्पादकता। सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। अर्थात सीमांत उत्पादकता एक साधन की उत्पादन करने की शक्ति या क्षमता होती है। सीमांत उत्पादकता की धारणा का मुख्य रूप से तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। नंबर एक, सीमांत भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी अर्थात MPP। नंबर दो, सीमांत आगम उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी अर्थात MRP। नंबर तीन, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी अर्थात VMP। जहाँ तक सीमांत भौतिक उत्पादकता का सवाल है, जब सीमांत उत्पादकता की धारणा का प्रयोग उत्पादित वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के लिए किया जाता है तो इसे ही हम सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। प्रोफेसर MJ उल्मर ने अपने शब्दों में हमें बताया कि अन्य बातें समान रहने पर किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत भौतिक उत्पादकता कहा जाता है। अर्थात सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य वस्तुओं के रूप में ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए 10 श्रमिक पूंजी की 10 इकाइयों का प्रयोग करके एक दिन में 100 जोड़ी जूते का उत्पादन करते हैं। यदि पूंजी की 10 इकाइयों के साथ श्रमिकों की 11 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो जूतों का उत्पादन बढ़कर 110 जोड़ी हो जाता है। अतएव 11वें श्रमिक के आने से कुल उत्पादन में 10 जोड़ी जूते की वृद्धि होती है। इसे ही उस श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता कहा जाएगा। नंबर दो, सीमांत आगम उत्पादकता। सीमांत उत्पादक आगम उत्पादकता की धारणा का संबंध कुल आगम में होने वाले परिवर्तन से है। अन्य बातें समान रहने पर किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल आगम में जो वृद्धि हो जाती है उसे सीमांत आगम उत्पादकता कहा जाता है। सीमांत आगम उत्पादकता को रुपयों के या मुद्रा के रूप में मापा जाता है, जबकि सीमांत भौतिक उत्पादकता को हम वस्तुओं के रूप में मापते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 श्रमिक 10,000 रुपये मूल्य का कुल आगम प्राप्त करते हैं तथा 11वें श्रमिक के आने से कुल आगम 11,000 रुपये हो जाता है तो 1,000 रुपये उस श्रमिक का सीमांत आय उत्पादकता होगा अर्थात MRP इज इक्वल टू 100 रुपीज। नंबर तीन, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य। सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य
एक परिवर्तनशील उत्पादन के साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता तथा संबंधित वस्तु की बाजार कीमत को गुणा करके निकाला जा सकता है। अर्थात VMP इजिकल टू MPP गुणा में AR। VMP मीन्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य। MPP मीन्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता। AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू अर्थात औसत आगम या कीमत। इस प्रकार से हम VMP MPP गुणा AR करके निकाल सकते हैं। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 10, औसत आय 100 रुपये के बराबर, तो इनको गुणा करके 1000 रुपये भौतिक उत्पादकता का मूल्य निकल आएगा। नेक्स्ट, औसत उत्पादकता। औसत उत्पादकता से अभिप्राय यह है कि किसी परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादकता। एक श्रमिक की उत्पादकता को ही हम औसत उत्पादकता कहते हैं। औसत भौतिक उत्पादकता कुल भौतिक उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों से भाग करके निकाला जा सकता है। जैसे 10 श्रमिक 100 जोड़ियों जूतों का उत्पादन करते हैं, अर्थात एक श्रमिक कितनी जोड़ी जूते का उत्पादन करेगा। APP इजिकल टू कुल भौतिक उत्पादन 100 बटे में परिवर्तनशील साधन की इकाइयां 10, तो 100 बटे में 10, 10 जोड़ी जूते औसत उत्पादकता कहलाएगी। इसी प्रकार से औसत आगम उत्पादकता। औसत आगम उत्पादकता से अभिप्राय है कि परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई सर्जित आय। इसे हम कुल आगम उत्पादकता को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, साधन की लागत। किसी साधन की लागत से अभिप्राय उस व्यय से है जो साधन को किराए पर लेने या खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे ही हम साधन की लागत कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।